तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्ञान और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक दोस्तों कि अगर आपके मोबाइल से आपकी गलती से फ़ोटो डिलीट हो जाती है, या फिर आपने 1 साल पहले फ़ोटो डिलीट करी है, 2 साल पहले फ़ोटो डिलीट करी, या फिर अगर आपकी गैलरी से आपसे गलती से फ़ोटो डिलीट हो जाती है, उसको अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, अपने गैलरी में वापस लाना चाहते हैं, तो कैसे लाएंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डिलीट हुए फ़ोटो वीडियो फाइल को वापस कैसे लाएंगे, अगर आपसे गलती से डिलीट हो जाते तो उनको रिकवर कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए जो है, आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ऐप को सिंपली ओपन करना है। जब आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जो कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। आपके आपके मोबाइल से जो डिलीट हुए फ़ोटो वीडियो उनको रिकवर कर सकते हैं 100% रियलिटी के साथ। तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पर सर्च करना है डिस्क, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इस एप्लीकेशन के बारे में हर यूट्यूबर ने जो है आपको वीडियो बना के दिखा रखी होगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है। इसका रन रेटिंग भी काफ़ी अच्छा है। इसकी रेटिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस। यहाँ पर इसकी रेटिंग भी 100 मिलियन प्लस जो है तो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है गाइज। और ये मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। अब इस एप्लीकेशन में आप अपने फ़ोटो को डिलीट हुए फ़ोटो वीडियो को वापस लाना चाहते हो तो कैसे लाएंगे। इसके लिए आपको इस ऐप को ओपन करना है। तो मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। तो ये एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोड हो चुकी है गाइज। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्टार्ट बेसिक फ़ोटो सर्च, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिखाई देता है परमिशन नीडेड, आपको परमिशन देना है अपने मोबाइल में। तो गो टू सेटिंग पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद आप इसको बैक करेंगे। बैक करने के बाद ये जो है यहाँ से आपके डिलीट हुए फ़ोटो वीडियो को यहाँ पर जो है रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो जाएगी गाइज। तो फ्रेंड, अभी जो है ये आपके डिलीट हुए जितने भी फ़ोटो वीडियो सबको आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, जो कि अभी आपके यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये स्कैनिंग चल रही है। तो फ्रेंड, आपके मोबाइल से जो भी फ़ोटो वीडियो अगर डिलीट हुए होंगे वो कुछ इस तरह आपको दिखाए जाएंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपके जो भी फ़ोटो वीडियो डिलीट हुए होंगे वो कुछ इस तरह दिखाए जाएंगे। आप इनको रिकवर कैसे करेंगे, अगर आप इनको रिकवर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप सभी को रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, आपके सभी सेलेक्ट ऑल हो जाएंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा रिकवर का, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे। आपके जो डिलीट हुए फ़ोटो वीडियो को आप रिकवर कर सकते हैं। अगर आप किसी एक को रिकवर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है अनसेलेक्ट ऑल करेंगे, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप रिकवर पर क्लिक करेंगे। इसको आपको कहाँ पर जो है लेना है, इसको आपको कहाँ पर अपने गैलरी में लेना है, तो आप यहाँ पर दिखाई देगा सेव द फाइल कस्टम लोकेशन, अपलोड द फाइल FTP सर्वर, या फिर तो आपको जो जहाँ से डिलीट हुई थी वहीं लेना है, तो आप सेव द फाइल पर क्लिक कर देंगे। ये आपके फाइल में जहाँ से डिलीट हुई थी वहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि ये सेव हो चुकी है आपके यहाँ पर। तो ऐसे करके आपके डिलीट हुए फ़ोटो वीडियो फाइल को अगर आप अपनी गैलरी में लेना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं, तो इसे ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।